आज के दौर में पत्रकारिता के क्षेत्र में सोशल मीडिया सबसे बड़ी चुनौती बनकर सामने आया है, लेकिन आधुनिक युग में इस चुनौती को एक टूल की तरह इस्तेमाल करने की आवश्यकता है। ये बात उपायुक्त मंडी मदन चौहान ने राष्ट्रीय प्रेस दिवस के आयोजित जिला स्तरीय संगोष्ठी को संबोधित करते हुए कही। जिला स्तरीय संगोष्ठी में जिला मुख्यालय के तमाम पत्रकारों ने भाग लिया और राष्ट्रीय प्रेस परिषद द्वारा दिए गए विषय मीडिया के समक्ष चुनौतियां विषय पर चर्चा की गई। सभी पत्रकारों ने पत्रकारिता के क्षेत्र में आ रही चुनौतियों का जिक्र किया और उनके समाधान को लेकर भी चर्चा की गई। उपायुक्त मंडी मदन चौहान ने अपने संबोधन में कहा कि आज सोशल मीडिया का अधिक प्रभाव देखने को मिल रहा है। उन्होंने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति सोशल मीडिया के साथ जुड़ा हुआ है और समय-समय पर अपडेट होता रहता है। मदन चौहान ने कहा कि आज सोशल मीडिया को मीडिया जगत से जुड़े लोगों को एक टूल की तरह इस्तेमाल करना चाहिए ताकि इसका लाभ उठा सकें। मदन चौहान ने कहा कि पत्रकारिता समाज के प्रत्येक वर्ग के साथ चलने वाला कार्य है। उन्होंने कहा कि प्रशासन की कमियों को भी समाचारों के माध्यम से उजागर किया जाता है। उन्होंने पत्रकारों से निवेदन किया कि वे समाचारों में प्रत्येक पक्ष का समायोजन करें और यदि किसी समस्या को प्रशासन के समक्ष उठाने के बाद उसका समाधान हो जाता है तो उस समाचार को भी प्रमुखता दी जाए। जहां तक आज के विषय का सवाल है कि भी आपके बहुत सारे चैलेंजेस हैं, तो जैसे मैंने कहा कि क्रेडिबिलिटी एक बहुत बड़ा चैलेंज है, साथ ही सोशल मीडिया आज आपके पास बहुत बड़ा चैलेंज है। आपने देखा होगा कभी कोई मीटिंग चल रही होती है तो आधे लोग तो जो है वो व्हाट्सएप देख रहे होते हैं, वो अपडेट करता रहता अपने आप को कि अभी क्या हो गया है, फिर वो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व वाली बात हो जाती है। वो क्रेडिबिलिटी नहीं देखता है, वो देखता है कि एक पॉलिटिशियन को जो आज वर्ल्ड मीडिया पे कहा है, जैसे बड़ा अच्छी तरह से पॉइंट आउट किया गया, एक पॉलिटिशियन की डेथ होगी, इट स्प्रेड्स लाइक वाइल्ड फायर विदाउट चेकिंग द क्रेडिबिलिटी ऑफ द न्यूज, अगेन द वर्ड क्रेडिबिलिटी कम्स इन। तो सोशल मीडिया आपके लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। सोशल मीडिया जहां बहुत बड़ा चैलेंज है वहीं एक बहुत बड़ा एसेट भी है। सो मैं ये समझता हूं कि इसको चैलेंज लेने के बजाय अगर हम लोग उसको एज ए एसेट लेंगे तो वो बहुत ज्यादा बेहतर रहेगा। क्रेडिबिलिटी जो है वो न्यूज की बहुत ही आवश्यक है। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा कि प्रशासन की नींद जो है आप जगाते हैं उसके लिए, क्योंकि कई चीजें हमारी नजर से भी ऐसे नजरअंदाज कई बार हो जाती है, लेकिन आपके माध्यम से वो पता चलती है। और लेकिन मैं उसमें भी एक गुजारिश ये करना चाहूंगा कि पत्रकार बंधुओं के जहां तक उसको प्रॉब्लम को जागृत करने का प्रश्न है सर माथे पे होनी चाहिए, तभी प्रशासनिक सुधार होगा। लेकिन एक चीज का थोड़ा सा क्रेडिट कभी कभार हमें दे दिया करोगे अगर उसमें कभी कुछ सुधार हो जाए। इस मौके पर सूचना एवं जनसंपर्क विभाग की उपनिदेशिका कुमारी मंजुला, जिला लोक संपर्क अधिकारी हेमंत शर्मा, प्रेस क्लब मंडी के प्रधान अंकुश सूद, महासचिव पुरुषोत्तम शर्मा, वरिष्ठ पत्रकार के नूतन, हेमकांत कात्यायन, बीरबल शर्मा और मुरारी शर्मा सहित अन्य पत्रकार मौजूद रहे।